खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के चर्चित मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी उर्फ आर्यन आर्य मामले में इब्राहिम की पत्नी अंजलि जैन को उनकी इच्छा के अनुरूप माता पिता के साथ रहने का फैसला सुनाया है। इब्राहिम सिद्दीकी का कहना है कि उन्होंने अंजलि से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म अपनाया था और उसके बाद अपना नाम आर्यन रख लिया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की पीठ ने अंजलि जैन से उनके विवाह के बारे में पूछताछ की और उनकी इच्छा के अनुरूप उन्हें माता पिता के साथ रहने की इजाज़त दे दी। केरल के हादिया केस की तरह कहे जा रहे इस मामले में इब्राहिम सिद्दीकी उर्फ आर्यन आर्य ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि उनकी बालिग पत्नी अंजलि जैन की इच्छा के बाद भी हाईकोर्ट ने उन्हें छात्रावास या माता पिता के साथ रहने का फैसला सुनाया है, जो न्याय सम्मत नहीं है। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 27 अगस्त को अंजलि जैन को अदालत में प्रस्तुत करने के निर्देश छत्तीसगढ़ पुलिस को जारी किए थे। सोमवार को अदालत की सुनवाई के बाद इब्राहिम सिद्दीकी उर्फ आर्यन आर्य के वकील ने कहा कि अदालत ने उनके परिजनों को कोर्ट रूम से बाहर भेजकर उनसे पूछा कि वे पति के साथ रहना चाहती हैं या अपने माता पिता के साथ रहना चाहती हैं, जिस पर अंजलि जैन ने अपने माता पिता के साथ रहने की इच्छा जताई। उधर मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी ने कहा कि मैंने अपनी पत्नी अंजलि के कहने पर ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन अंजलि ने किन कारणों से अपने माता पिता के साथ जाने का फैसला किया ये उनकी समझ से परे है। दरअसल पूरे मामले पर एक नज़र डाल लेते हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी के रहने वाले 33 साल के मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी और 23 साल की अंजलि जैन ने 2 साल की जान पहचान के बाद 25 फरवरी 2018 को रायपुर के आर्य मंदिर में शादी की थी। इब्राहिम का दावा है कि उन्होंने शादी से पहले हिंदू धर्म अपना लिया, इसके बाद उन्होंने अपना नाम आर्यन आर्य रखा। मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी उर्फ आर्यन आर्य के अनुसार, शादी की खबर जैसे ही मेरी पत्नी अंजलि के परिजनों को मिली, उन्होंने मेरी पत्नी को घर में कैद कर लिया। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से अंजलि से मेरी मुलाकात हो, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। इसके बाद इब्राहिम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करते हुए न्यायालय से अपनी पत्नी अंजलि जैन को वापस किए जाने की गुहार लगाई, लेकिन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अंजलि जैन को सोच विचार के लिए समय देते हुए छात्रावास में या माता पिता के साथ रहने का आदेश पारित करते हुए मामले को खारिज कर दिया। अंजलि जैन ने माता पिता के बजाय छात्रावास में रहना तय किया था। इसके बाद इब्राहिम ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर स्टेशन।